ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके से पुलिस ने एक स्मैक तस्कर महिला को दबोचा है, जिसके कब्जे से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने देर रात यह कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला पर मामला दर्ज करके उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि पड़ाव थाना इलाके के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक महिला तस्करी के लिए पहुंचने वाली है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके महिला को मौके से दबोचा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है। आज दो कार्रवाइयां क्राइम ब्रांच थाना माधोगंज और थाना पड़ाव पुलिस द्वारा की गई हैं, जिसमें एक प्रकरण में एनडीपीएस की अच्छी कार्रवाई करते हुए 252 ग्राम स्मैक पकड़ी है। इसमें एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि मैनपुरी से स्मैक लेके आ रही थी, और इसके पीछे एक अन्य आरोपी है जो इसका रिश्तेदार है, जिसके ऊपर अनेक एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हैं। इस महिला को रिमांड पर लेके इससे और पूछताछ की जा रही है। ये जो स्मैक पकड़ी गई है इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये से कुछ ज़्यादा है।